तो यहाँ पे मैंने एक मिट्टी का बर्तन ले लिया है। आप देखें, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे गोल्डन कलर से कर लूँगी ताकि देखने में अच्छा लगे, क्योंकि इसके ऊपर जो बर्तन मैं रखने जा रही हूँ वो भी आपको बहुत वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि उसका कलर गोल्डन है। और ये छोटा सा पॉट मैंने वाटर फाउंटेन के लिए बनाया था, तो इसको ही इसके ऊपर रखूँगी। तो सबसे पहले मुझे इसको कलर करना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी भरने के बाद इसमें कलर करने में प्रॉब्लम आएगी। तो कलर करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। जब तक ये सूख रहा है तब तक मैं क्या करूँगी कि ये वाला प्लांट है जिसको कि अगेन मैंने एक डब्बे के ऊपर लगाया है, तो अब ये डब्बा देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको मैं क्या करूँगी, क्योंकि आप लोगों को पहले भी मेरे टॉय वाले वीडियो बहुत पसंद आए, तो अचानक से मुझे माइंड में आया कि मैं कुछ और भी ऐसा करूं जो जल्दी भी बन जाए और पैसा भी ना लगे और बहुत झंझट भी ना हो। तो ये है मेरे बेटे का मास्क जो कि वो यूज़ नहीं करता है बिल्कुल भी, तो अब इसको ही मैं यहाँ पे लगा दूँगी। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे ऐसे रख करके इसको एमसील की हेल्प से चिपका देंगे। ये इस तरीके से यहाँ पे चिपका देंगे, और जब ये सूख जाएगा तब हम इसे कलर करेंगे। जब तक ये अंदर वाला सूख रहा है तो ये बच गई मेरी एमसील। तो मैंने सोचा इसके जो होल दिख रहे हैं ऊपर वो नहीं अच्छा लगे, इसलिए मैं ये पतली पतली स्ट्रिप्स बना करके इसी से इसके बाल बना दूंगी। अब इसमें एक्रेलिक कलर मैं ब्रश से पहले करके देख रही हूँ, अगर पैचेस लगेंगे तो फिर आप इसमें फोम की हेल्प से करेंगे तो शायद इसमें बहुत जल्दी हो भी जाएगा और शायद पैचेस भी नज़र नहीं आएंगे। तो पहले मैं ये भी चेक कर रही हूँ कि क्या ये वाइट में अच्छा लगेगा या नहीं, अदरवाइज़ इसमें कोई और कलर, क्योंकि मैंने जब ऐसा प्लांटर देखा था ऑनलाइन तो उसमें भी ये वाइट कलर ही था, और मार्केट में भी मैंने इसमें वाइट कलर ही देखा था, तो वो बहुत यूनिक सा और सुंदर सा लग रहा था, इसलिए मैं इसमें वाइट कलर करके देख रही हूँ कि ये कैसा लगेगा। जब तक वो सूख रहा है तब तक ये है डॉल जो कि मेरी बेटी के केक में लगी हुई थी, तो उसने बोला मम्मा ये तो किसी काम नहीं आ रही है, तो स्टिक लगी हुई है, मैं इसके साथ क्या क्या खेलूँ, तो उसने तो फेंक दिया। अब मैं इसका यूज़ अपने गार्डन में कर रही हूँ। तो ये है एयर ड्रैगन, ये भी बच्चों के लिए ही आए थे, तो इसी से इसकी ड्रेस बना दूंगी। अभी फ़िलहाल मैं ग्रीन कलर इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि जो प्लांट्स में मैं इसको लगाऊंगी उससे ये पता ना लगे कि ये मतलब कि प्लांट्स के बीच में ये भी लीव्स की तरह ही नज़र आए।
अब वाइट कलर होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है, तो फटाफट से मैंने ये मेटेलिक ग्रे कलर बनाया है खुद से और उसको ही यहाँ पे कलर कर रही हूँ, तो वो ज़्यादा मुझे देखने में अच्छा लग रहा था। मेटेलिक ग्रे कलर अगर आपने करना है तो उसमें कुछ नहीं करना है, पहले थोड़ा सा ब्लैक कलर लीजिए और उसमें ही वाइट मेटेलिक कलर जो होता है सिल्वर का, उसको ही मिक्स करेंगे तो ये ग्रे ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो उसी से ही मैं यहाँ पे इसको पूरा कलर कर ले रही हूँ। कलर करने के बाद बेटी ने बोला, मामा इसके जो लिप्स खुले हैं वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तो फटाफट से मैंने जो एमसिल थी उसका ही यूज़ मैंने किया है, उसी से मैंने इसके लिप्स बना दिए हैं और जो एमसिल बच गई उसी से उसके आईब्रोज़ बना दिए हैं। तो आप चाहे तो आप ओपन रखें या फिर आप उससे बनाना चाहें तो बना लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखने में बस ये रेडीमेड लुक जैसा भी हो जाएगा और थोड़ा सा यूनिक भी लगेगा। इतना होने के बाद ये आईब्रो के ऊपर संग संग ही मैंने यहाँ पे ऊपर इसके ऊपर भी ग्रे कर अप्लाई कर दिया है, और उसके बाद जब ये ड्राई हो गया तो आपके पास जो भी वार्निश हो वो आप लगा लें। मेरे पास वुडन वार्निश थी तो मैंने वही लगा दी है ताकि इसमें थोड़ा सा शाइनिंग भी आ जाए और ये वॉश करने में आसानी से ये कलर निकलेगा नहीं। ये दूसरा पॉट तैयार करने के बाद बीच में जो मैंने उल्टा करके बस इसको मिट्टी के ऊपर रख लिया है और इसके ऊपर मैं एमसिल लगा रही हूँ ताकि दूसरा पॉट इसमें चिपका रहे, गिरे नहीं। और इसके बाद नीचे वाले में मैंने मनी प्लांट लगाया है, आप जो प्लांट लगाना चाहें लगा सकते हैं। प्लांट मैंने लगा लिए हैं, अब आप देखें जो बीच में पॉट रखा है उसके ऊपर एमसील लगा दी है और इसके ऊपर ही ये दूसरा पॉट मैं इसको अच्छे से चिपका दूंगी। चिपकाने के बाद और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जो बीच का ये छोटा सा मैंने पॉट रखा है उसको आप जब चाहें हटा भी सकते हैं, स्टैंड मैंने उसको सिर्फ मिट्टी के ऊपर अंदर रखा है, उसको चिपकाया नहीं है, तो जब चाहें आप उसको रख सकते हैं कहीं भी, तो वो भी देखने में सुंदर लगेगा। अब जो ये डॉल मैंने बनाई थी ये और ये ऊपर एक बन गया है पूरा, और अब इसको ही मैं यहाँ पे ऊपर वाले में स्टिक कर दूँगी। मास्क से रेडी किया है, तो इसमें भी मैंने ये वुड वाला वार्निश लगा लिया है ताकि वॉश करूँ तो इसका कलर नहीं निकले, क्योंकि ये एक्रेलिक कलर होते हैं तो कभी कभार ऐसे धूप वगैरह पड़ती है तो उतरने का डर रहता है। तो चलिए आइए देखते हैं गार्डन में ये कैसे लग रहे हैं। Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe.